पृथ्वी कैसे बनी। प्रिय इंदु, तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम ये भी जानती हो कि ऐसे और भी कई पिंड हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। हमारी धरती समेत ये सब सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है क्योंकि वो धरती के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का, और क्योंकि सूरज इन सब ग्रहों का पिता है इसलिए इस पूरे समूह को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों तारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और इन्हें तारा नहीं कहा जाता। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रहों और तारों में क्या फर्क है? ग्रह हमारी धरती की तरह तारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि धरती से उनका फासला कम है। ठीक वैसा ही समझो जैसे चांद, जो वास्तव में बहुत छोटा है लेकिन हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है। लेकिन तारों और ग्रहों में भेद करने का असली तरीका है ये देखना कि वे जगमगाते हैं या नहीं। तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका कारण यह है कि ग्रह केवल इसलिए चमकते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वो असल में सूरज की रोशनी है। असली तारे बिल्कुल हमारे सूरज की तरह हैं। वे खुद बहुत चमकते हैं क्योंकि वे बहुत गर्म हैं और जल रहे हैं। दरअसल हमारा सूरज खुद एक तारा है, बस वो बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे नजदीक है और हम उसे एक बड़े आग के गोले के रूप में देखते हैं। अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी धरती सूरज के परिवार में है, यानी सौर जगत में। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है और हमारी जैसी छोटी सी चीज के मुकाबले वो है भी बहुत बड़ी। किसी तेज रेल गाड़ी या जहाज पर बैठकर भी इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। लेकिन हमें चाहे ये कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में ये धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे तारे इससे भी ज्यादा दूर हैं। खगोल शास्त्री यानी वे लोग जो तारों का अध्ययन करते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत समय पहले हमारी धरती और सारे ग्रह सूरज का ही हिस्सा थे। उस समय भी सूरज जलते हुए पदार्थ का बेहद गर्म गोला था। किसी तरह सूरज के कुछ टुकड़े उससे टूटकर अंतरिक्ष में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूरज से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा हो। ये विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है वो है जो छोटी चीजों को
बड़ी चीजों की तरफ खींचती है। यही वो ताकत है जो वजनदार चीजों को धरती पर गिराती है। हमारे निकट धरती ही सबसे विशाल चीज है, इसी से वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। इस तरह हमारी धरती भी सूरज से निकली थी। उस जमाने में ये बहुत गर्म रही होगी, इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी, लेकिन क्योंकि ये सूरज से बहुत छोटी थी इसलिए जल्दी ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन सूरज को बिल्कुल ठंडा होने में लाखों बरस लगेंगे। धरती को ठंडा होने में कम समय लगा। जब ये गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़, सब जल जाती। कुछ लोगों की धारणा है कि जिस तरह सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती बन गया, उसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर चांद बन गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद धरती के उस हिस्से से निकला है जो आज अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है। खैर, धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। उसे ठंडा होने में बहुत समय लगा। धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो जैसे जैसे तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। अगर तुम धरती के अंदर बहुत दूर तक जा सको तो तुम्हें धरती अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और क्योंकि वो धरती से छोटा था इसलिए उसके ठंडा होने में कम समय लगा। उसकी ठंडक बड़ी सुखद होती है ना? उसे ठंडा चांद कहते हैं। शायद वो बर्फ की नदियों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब धरती ठंडी हुई तो हवा में जितनी भाप थी वो जमकर पानी बन गई और शायद वर्षा बनकर बरस पड़ी। लगता है उस समय बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा। ये सब पानी जमीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बने। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई और समुद्र ठंडे होते गए, वैसे वैसे वे जानदार चीजों के रहने लायक होते गए। अगले खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूंगा। ये पत्र जब लिखे गए थे उसके बाद से कई बातों में वैज्ञानिक जानकारी और दृष्टिकोण बदल गए हैं, और आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि चंद्रमा पर न हवा है न पानी है, केवल चट्टानें हैं और बालू है। जानदार चीजों की शुरुआत। प्रिय इंदु, पिछले खत में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एक लंबे समय तक धरती इतनी गर्म रही होगी कि उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती होगी। धरती पर जीवन कब शुरू हुआ और शुरू के जीव क्या थे, ये बड़ा रोचक सवाल है, पर इसका जवाब देना आसान नहीं है। पहले यह समझना होगा कि जान क्या है।
शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों, फूलों और तरकारियों को क्या कहोगे? ये मानना पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं। ये बढ़ते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फर्क यह है कि दरख्त चलता फिरता नहीं है। तुम्हें याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे जिन्हें ऑर्किड और पिचर कहते हैं। जानती हो ये सचमुच मक्खियां खाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर भी हैं जैसे स्पंज, जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। कभी कभी तो किसी चीज को देखकर यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वो पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र और प्राणी विज्ञान पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी जो न पूरी तरह से जानवर हैं न पौधे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर इसे देख पाना मुश्किल है। शायद तुम्हें उन सज्जन की याद होगी जो हमसे जिनीवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षणों द्वारा साबित किया है कि पौधों में जान होती है। उनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज दुनिया में हजारों तरह की जानदार चीजें हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जिनमें कुछ अक्लमंद हैं और कुछ बेवकूफ। जानवर भी बहुत तरह के हैं, जिनमें हाथी, बंदर और चींटी जैसे चतुर जानवर भी हैं और बहुत से बुद्धू जानवर भी। जीवन के इस क्रम में मछलियां और बहुत से समुद्री जीव और भी निचले दर्जे के हैं। इनमें भी सबसे निचले दर्जे के जीव हैं स्पंज और जेली के आकार की मछलियां और वो चीजें जो आधा पौधा है और आधा जानवर। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि ये अलग अलग तरह के जानवर एक साथ वजूद में आए या एक एक करके धीरे धीरे। हम इसका पता कैसे लगाएं? उस पुराने जमाने की किताबें तो हैं नहीं, लेकिन क्या प्रकृति की पुस्तक हमारी मदद कर सकती है? हाँ, कर सकती है। हमें पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियां मिलती हैं जिन्हें अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं। जब ये फॉसिल्स हमें मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब वो चट्टान बनी तो वे जानवर भी जरूर रहे होंगे जिनकी हड्डियां हमें चट्टानों में मिली हैं। तुमने इस तरह के बहुत से छोटे और बड़े फॉसिल्स लंदन के साउथ कैंग्जिंगटन अजायब घर में देखे थे। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नर्म और मांस वाला भाग तो बहुत जल्दी सड़ जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। यही हड्डियां हमें पुराने जमाने के जानवरों का हाल बताती हैं। लेकिन मान लो किसी जानवर के हड्डियां ही न हो, जैसे जेली फिश, तब उसके मरने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत से पुराने फॉसिल्स जमा कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह के जानवर रहते थे। सबके सब एक साथ कहीं से नहीं आए। सबसे पहले खोल वाले साधारण जानवर पैदा हुए, जैसे घोंघे। समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंघे और सीपियां बटोरती हो, वे उन जानवरों के बाहरी खोल हैं जो मर चुके हैं। उसके बाद कुछ और विकसित जानवर आए, जैसे सांप, हाथी से भी बड़े जानवर और आज पाए जाने वाले जीवों से मिलते जुलते पशु पक्षी।
सबसे बाद में हमें आदमियों के अवशेष मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि जानवरों के वजूद में आने का एक सिलसिला था। पहले सबसे मामूली जानवर आए, उसके बाद उनसे ऊंचे किस्म के जानवर आए, और जैसे जैसे समय बीता वो और विकसित होते चले गए, और आखिर में सबसे विकसित जानवर यानी आदमी आया। सीधे साधे स्पंज और घोंघे में कैसे इतनी तब्दीलियां हुई और कैसे वे विकसित होते चले गए, ये बड़ा रोचक अध्ययन है जिसके बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। इस वक्त तो हम उन प्राणियों की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले आए। धरती के ठंडा हो जाने के बाद शायद सबसे पहला जीव वो नर्म जेली जैसी चीज थी, जिस पर न कोई खोल था न कोई हड्डी। वो समुद्र में रहती थी। इनके फॉसिल्स नहीं मिलते क्योंकि इनकी हड्डियां थी ही नहीं, इसलिए हमें अनुमान ही लगाना पड़ता है। आज भी समुद्र में जेली के आकार के जीव पाए जाते हैं। ये गोल होते हैं, लेकिन इनका आकार लगातार बदलता रहता है क्योंकि इनमें न कोई हड्डी होती है न कोई खोल। अगर तुम इनका चित्र देखो तो पाओगी कि इनके बीच में एक बिंदु होता है, इसे केंद्र कहते हैं, और ये एक तरह से इनका दिल है। ये जीव एक अजीब ढंग से बंटकर दो हो जाते हैं। पहले वे एक जगह से पतले होने शुरू होते हैं और तब तक पतले होते चले जाते हैं जब तक कि टूटकर दो जेली जैसे जीव नहीं बन जाते। इन दोनों की शक्ल पहले वाले जीव जैसी ही होती है। तुम देखोगी कि केंद्र या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों हिस्सों को एक एक दिल मिल जाता है। इस तरह ये जीव विभाजित होते चले जाते हैं और संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह की कोई चीज हमारी पृथ्वी का पहला जीव रही होगी। जीवन का कितना सादा और साधारण रूप था ये। उस समय इस पृथ्वी पर इससे बेहतर या विकसित जीव नहीं था। असली जानवर तब तक पैदा नहीं हुए थे और आदमी के आने में तो अभी लाखों बरस बाकी थे। इन जेली जीवों के बाद समुद्री घास, घोंघे, केकड़े और कीड़े आए। उसके बाद मछलियां आईं। इनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम हैं क्योंकि इनमें हड्डियां थीं या उन पर कड़े खोल थे। इन्हें वे हमारे लिए छोड़ गईं ताकि उनके मरने के बहुत समय बाद भी हम उन पर गौर कर सकें। घोंघे समुद्र तल की मिट्टी में पड़े रह गए। समय के साथ साथ उन पर मिट्टी और बालू जमा होती गई और इस तरह ये सुरक्षित रह सके। मिट्टी और बालू के दबाव से नीचे की मिट्टी सख्त होती चली गई। वो इतनी सख्त हो गई कि चट्टान बन गई। इस तरह समुद्र तल में चट्टानें बनी। फिर भूचाल या किसी और वजह से ये चट्टानें समुद्र से ऊपर आ गईं और जमीन सूख गई। ये सूखी चट्टानें नदियों और वर्षा के जल से धुलती रहीं और जो घोंघे लाखों बरसों से इनमें छिपे थे वे बाहर आ गए। इस तरह हमें ये घोंघे या फॉसिल्स मिलते हैं और उनका अध्ययन करने के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि पुराने समय में हमारी पृथ्वी कैसी थी। अगले पत्र में हम इस बात पर विचार करेंगे कि साधारण जीव किस तरह विकसित होते होते आज के जीव जैसे हो गए।
जीव जंतु कब प्रकट हुए। प्रिय इंदु, अब तक हम इतना जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन समुद्री जीव जंतु और पानी में होने वाले पौधों के रूप में विकसित हुआ। ये जीव सिर्फ पानी में रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते होंगे और उन्हें पानी न मिलता होगा तो जरूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी अगर जेली फिश किसी तरह किनारे आ जाए और सूख जाए तो वो मर जाती है। लेकिन उस जमाने में आजकल से कहीं ज्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे। हाँ, वे मछलियां और दूसरे समुद्री जीव जिनकी खाल जरा ज्यादा सख्त थी, सूखी जमीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगे। इस तरह जेलीफिश और उसके जैसे और जीव धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि सूखी जमीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज्यादा सख्त थी उनकी संख्या बढ़ती गई। कितनी मजेदार बात है ना। इसका मतलब यह है कि जीव जंतु धीरे धीरे अपने को आसपास के वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के साउथ कैंसिंगटन अजायब घर में देखा है कि किस तरह सर्दियों में और ठंडे देशों में जहां बहुत बर्फ गिरती है, पक्षी और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं, और गर्म देशों में जहां हरियाली और दरख्त बहुत हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास का वातावरण हो। वे अपना रंग इसलिए बदल लेते हैं जिससे अपने को दुश्मनों से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीजों जैसा होगा तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे। ठंडे मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें। चीता पीला और धारीदार होता है उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है, इसीलिए चीते को घने जंगल में देख पाना मुश्किल होता है। जीव जंतुओं का इस तरह अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं कि जीव जंतु खुद अपने को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जीव जंतु आसपास के वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं उनके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह उनकी तादाद बढ़ने लगती है जबकि दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि साधारण जीव धीरे धीरे विकसित होते हुए ऊंचे दर्जे के जीव बन जाते हैं और मुमकिन है कि लाखों बरसों के बाद वे आदमी के रूप में विकसित हो जाएं। अपने चारों तरफ होने वाली ये तब्दीलियां हम देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होती हैं और हमारी जिंदगी छोटी होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीजों को बदलती और सुधारती रहती है। वो न तो कभी रुकती है और न आराम करती है। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें लिखा था कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और सूखती गई। जैसे जैसे ये ठंडी हुई इसका जलवायु बदला और उसके साथ ही बहुत सी चीजें बदल गईं। पृथ्वी बदलती गई तो जानवर भी बदलते गए और नए नए किस्म के जानवर पैदा होते गए। पहले साधारण समुद्री जीव आए, फिर अधिक विकसित जीव आए। इसके बाद जब सूखी जमीन ज्यादा हो गई तो ऐसे जानवर आए जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे, जैसे मगरमच्छ या मेंढक। इसके बाद वे जानवर आए जो पूरी तरह से जमीन पर रहते थे, और फिर पक्षी आए जो हवा में उड़ सकते थे।
मैंने मेढक का जिक्र किया है। ये बड़ा रोचक अध्ययन है क्योंकि इसके जीवन से ये पता चलता है कि किसी तरह समुद्री जीव बदलते बदलते जमीन पर रहने वाले जीव बने। मेढक पहले मछली होता है लेकिन बाद में वो जमीन का जीव बन जाता है और जमीन पर रहने वाले दूसरे जीवों की तरह फेफड़ों से सांस लेता है। उस पुराने जमाने में जब जमीन पर जीवन आरंभ हुआ तब चारों तरफ बड़े बड़े जंगल थे। घने जंगलों के कारण जमीन दलदली हो गई होगी। बाद में ये जंगल दब गए और मिट्टी और चट्टानों के दबाव से ये धीरे धीरे कोयले में बदल गए। तुम्हें मालूम है कोयला गहरी खानों से निकाला जाता है। कोयले की ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल हैं। जमीन पर रहने वाले शुरू के जानवरों में बड़े बड़े सांप, छिपकलियां और घड़ियाल थे। इनमें से कोई कोई 100 फीट लंबे थे। जरा सोचो, 100 फीट लंबे सांप और छिपकलियां। तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों के फॉसिल्स लंदन के अजायब घर में देखे थे। बाद में वे जानवर आए जो आज के जानवरों से मिलते हैं। ये स्तनपाई जीव कहलाते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता है वो बंदर या बनमानुस है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि आदमी बनमानुस का वंशज है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हर एक जानवर ने अपने को आसपास के वातावरण के अनुकूल बना लिया और विकसित होता गया, उसी तरह आदमी भी पहले एक बनमानुष ही था। यह सच है कि वो सुधरता गया, या यूं कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही और आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं है। वो अपने आप को दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग समझता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और बनमानुषों के भाई बंद हैं और आज भी हम में से बहुत से बंदरों जैसा व्यवहार करते हैं।